बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नहीं रहे हैं। सब लोगों से इल्तिमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बात है। आज हम जो पाकिस्तान में बढ़ते हुए खाद के रेट्स हैं उनके बारे में कुछ थोड़ी सी अपनी जो अपील है वो हम अपने फैसला साजों के सामने रखेंगे कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कि मकई का जो रेट है वो रोज बरोज कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है और इस वक्त मकई के 1 एकड़ से किसान को 40 से 50 हज़ार रुपए फी एकड़ नुकसान हो रहा है। तो इस सूरत हाल में जो दूसरी चीज किसान के साथ हो रही है वो ये है कि इस वक्त जो डीएपी का रेट है वो 15 हज़ार के करीब मार्केट में डीएपी मिल रही है और यूरिया जो है वो 5,500 में भी नायाब है। किसान को इस वक्त 5,500 में भी यूरिया नहीं मिल रही, वो ब्लैक में फरोख्त हो रही है। तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात सुनते हैं, मीडिया पे भी बात सुनते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरी अपने फैसला साजों से, अपनी सियासी क्यादत से और अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये अपील है कि आप जब बात करते हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो थोड़ी सी ये जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है ये किसानों के हवाले से भी इसको भी लागू कर लें क्योंकि हमें इस वक्त जो खाद है वो गवर्नमेंट रेट पे तो दरकिनार, हमें ब्लैक वाले रेट पर भी अवेलेबल नहीं है। जब खाद ही हमें अवेलेबल नहीं होगी तो हम अपनी फसलों को क्या चीज डालेंगे, जाहिर बात है फिर हमारी जो एवरेज है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और जब ये एवरेज पर असर पड़ेगा तो फिर लाजमी तौर पर ये पूरे पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। असल में हमारी जो क्यादत है उसका इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। एक महकमा ज़राअत बनाया हुआ है, उसमें वो क्राप रिपोर्टर हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, इतना बड़ा इदारा बनाया हुआ है। उनका काम होता है कि किसान को बताना कि आपने कौन सी फसल काश करनी है, पाकिस्तान में इस वक्त किस फसल की जरूरत है या किस फसल की पाकिस्तान से बाहर जरूरत है जो हमें काश करनी चाहिए, किसान कौन सी प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि किसान भी तो एक किस्म का प्रोड्यूसर ही होता है ना। वो एक एक प्रोडक्ट तैयार करता है, वो फसल तैयार करके लोगों को देता है, हम लोगों को फीड करवाते हैं, लेकिन किसान के साथ इतना जुल्म हो रहा है कोई उसके लिए आवाज उठाने को तैयार ही नहीं है। आज एक यूनिट जो बिजली का किसान को मिल रहा है वो 40 से 45 रुपए के दरमियान है, जबकि इसी को हम 4-5 साल पीछे लेकर जाएं तो यही एक यूनिट 5-7 रुपए में मिलता था। तो इतनी महंगाई, खास तौर पर पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है उसका सारा असर जो है वो किसान पर पड़ गया है। आगे से किसान की क्यादत ही कोई नहीं, किसान को भी अपनी तंजीम शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो किसान के बारे में तो आवाज उठाने वाला है ही कोई नहीं। और मेरी तो इस सिलसिले में अपने हुक्मराने वाला से यही अपील है कि आप अगर पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ये जो ज़राअत वाले हैं, ये जो किसान हैं, ये जो फार्मर है, इसको आपको साथ लेकर चलना होगा, इसके जो मसाइल हैं इनको आपको एड्रेस करना होगा, नहीं तो दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आज जो किसान के साथ हो रहा है, आप आज आप उसकी एक मकई की फसल को देख लें, अगर वो मकई की फसल के 1 एकड़ में से 40 से 50 हज़ार रुपए नुकसान कर रहा है तो मेरा तो सवाल यह है कि एक बंदा जो अपने 1 एकड़ से 50 हज़ार रुपए नुकसान कर रहा है वो बच्चों को क्या खिलाएगा, वो लोगों को क्या खिलाएगा? जब उसका किसान का पहिया नहीं चलेगा तो मजदूर का पहिया कैसे चलेगा? तो पाकिस्तान में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, बदअमनी भी बढ़ेगी और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें इजाफा होगा, उसमें कमी नहीं होगी। अगर आपने पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है तो आपको किसान की जो मुश्किलात हैं उनको देखना होगा, उनको एड्रेस करना होगा, इसके बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी।